हेलो गाइस, हम लोग बना रहे हैं शाही पनीर। ये बिल्कुल होटल जैसी रेसिपी है, टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो हम लोगों ने लिया है शाही पनीर बनाने के लिए ऑनियंस, टमेटोज, गार्लिक और ग्रीन चिलीज। हम लोगों ने 6 ऑनियन लिए हैं, 7 टमेटोज लिए हैं और 3 ग्रीन चिलीज ली है और 4-5 गार्लिक लिए हैं। हम लोगों ने इसे कट भी कर लिया है। अब हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारे ऑनियंस और बाकी जो मिक्सचर है वो अच्छे से ग्राइंड भी हो जाए, उसका टेस्ट भी बाद में अच्छा आएगा सब्जी में। हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, उसे हॉट हो गया है वो। अब हम लोग इसमें ऑनियंस, ग्रीन चिलीज और गार्लिक ऐड करेंगे। टमेटोज हम अलग से टमेटोज को फ्राई करेंगे। अब इसे हम हाई फ्लेम पर लगातार मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग जब तक हमारे ऑनियंस फ्राई हो रहे हैं तब तक हम लोग तिल जो आती है उसे फ्राई कर लेंगे। हम लोगों ने 85 ml तिल ली है। हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार फ्राई करेंगे ताकि जो हमारा तिल है वो जले नहीं। हम लोग इसी तरीके से उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हम लोगों की जो तिल है वो उसकी आवाज़ आने लग गई है जैसे वो फूटती है उस तरीके से। तो हम लोग गैस ऑफ करेंगे और इसे एक कांच के बाउल में निकाल लेंगे। हम लोगों का ऑनियन का जो मिक्सचर है वो हल्का हल्का तो भुन चुका है पर परफेक्ट कंसिस्टेंसी में नहीं आया है। तो हम लोग इसे और मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर। और हम लोगों ने 85 ml के ही कप से 1 कप कैश्यू ऐड करा है, मतलब काजू, और इसे मिक्स करा है। आप लोग आपके स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग जो हमारा तिल है उसे मिक्सी जार में ऐड करेंगे और उसी तरीके से हम लोगों ने जो पीनट्स आते हैं उन्हें भी सेक लिया था, फ्राई कर लिया था और उन्हें भी हल्का हल्का पाउडर बना लिया था। और अब दोनों को मिक्स करके पाउडर बनाएंगे। तो हम लोग इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा पाउडर बनकर रेडी है तिल और पीनट्स का। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। अब हम लोग इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं हमारे ऑनियन के मिक्सचर तरफ। तो हम लोगों के ऑनियंस, कैश्यू, गार्लिक, ग्रीन चिली सभी चीज़ें परफेक्ट पक चुकी है। अब हम लोग इसे कांच के बाउल में निकाल लेंगे और इसी हम लोग इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। जब तक अब हम लोग करते हैं जो हमारे टमेटोज है उन्हें फ्राई। हम लोगों ने ऑयल ले लिया है थोड़ा सा एक पैन में। अब हम लोग उसमें ही टमेटोज ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हम लोगों के टमेटोज पूरे परफेक्ट कंसिस्टेंसी में जब तक नहीं आते जब तक हम लोग देखते हैं हम पनीर। हम लोगों ने 2 कप पनीर लिया है। ये 2 कप पनीर है। जब तक हम लोग इसे फ्राई करने से पहले हमारे टमेटोज के मिक्सचर अब चलते हैं। ये देखिए हमारे टमेटो का मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। हम लोग अब पनीर फ्राई करेंगे। आप लोग घी, बटर, ऑयल किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑयल लिया है और इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड कर दिए हैं और इसे हम लोग गर्म पानी में निकाल लेंगे, हल्का भून कर, ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो हमारा पनीर बाद में वेजिटेबल में सॉफ्ट नहीं रहेगा। इस तरीके से हम बाकी जो पनीर है उसे भी फ्राई करेंगे। ये है पीनट्स और तिल का मिक्सचर। ये है ऑनियंस, गार्लिक,
ग्रीन चिलीज, कैश्यू का मिक्सचर और ये है टमेटो का मिक्सचर। हम लोगों ने 3 मिक्सचर है हमारे पास। अब हम लोग पनीर देखते हैं। पनीर को हम लोगों ने जैसे ही गर्म पानी में रखा था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, स्पंजी हो चुका है और उसका जो भी ऑयल था वो अलग हो चुका है। अब हम लोग बनाते हैं वेजिटेबल मतलब सब्जी की तैयारी। तो हम लोगों ने एक उसी कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। अब हम लोग उसमें डालेंगे जीरा। हम लोगों ने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है और 1 टेबल स्पून राई। अब हम लोग दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्ची को भी इसी में ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और हम लोगों ने रेड चिल्ली पाउडर 2 स्पून लिया है, रेड चिल्ली पाउडर। और अब हम लोग इसमें जो हमारी प्याज वाली ग्रेवी है वो ऐड कर देंगे और इसे लगातार मिक्स करेंगे। हमारी जो प्याज वाली ग्रेवी है वो बन चुकी है क्योंकि हम लोगों ने इसे पहले भी फ्राई कर लिया था, इसलिए हम इसे पकाएंगे नहीं। हम लोग इसमें टमेटो वाली ग्रेवी ऐड कर देंगे और उसे भी मिक्स करेंगे। इसे भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जो तिल और पीनट्स का मिक्सचर है वो इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ये हमारी तिल और पीनट्स और बाकी जो भी ग्रेवी है वो बनकर रेडी है। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा सा वाटर डाल लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम लोग इसमें टर्मरिक पाउडर भी ऐड करेंगे 1 स्पून और इसमें हम लोगों ने और वाटर ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर दिया है। हम लोग इसमें पनीर की जो भी क्यूब्स है वो ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम लोग इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे और उसे भी मिक्स कर देंगे और सॉल्ट ऐड कर दिया है हम लोगों ने स्वाद अनुसार और इसे भी हम लोगों ने मिक्स कर दिया है। जो शाही पनीर मसाला है हम लोग वो भी ऐड कर देंगे। आप लोग बिना शाही पनीर मसाला के भी बना सकते हैं और इसे मिक्स करेंगे। हमारी जो सब्जी है वो देखिए उसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और वो जैसा कलर है वैसी ही टेस्ट में भी होगी अच्छी। अब हम लोग इसे प्लेट में डालेंगे। तो ये देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ हमारी जो सब्जी है वो बनकर रेडी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।